मित्रों, वर्तमान में चारों तरफ फैली इस महामारी को देखकर आप सभी के मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपने चरम पर है और यही जीवन का अंत है। परंतु ये सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी समय शेष है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटें, तो हमें कलयुग काल के भयावह प्रभाव के बारे में पता चलता है। और ऐसी बहुत सी गाथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ से जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गाथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ी है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। मित्रों, आज की हमारी ये वीडियो कलयुग के आरंभ से जुड़ी इसी सत्यता को उजागर करती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं उस संदर्भ के बारे में जो कलयुग के आरंभ से जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है। जी हाँ, महाराजा परीक्षित से जुड़ी वो गाथा जिसकी चर्चा हमने वीडियो के आरंभ में की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या थी वो भूल, आइए जानते हैं वीडियो के इस भाग में। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतने रंच और हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परित्याग कर अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया और अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गईं कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजती वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने चरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुरता से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो, ऐसे में मुझ जैसे तुझको पृथ्वी पर रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद,
काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है इन चार स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह चार स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग की ये मांग सुन राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में पांचवां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कस्में खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेगा। जीवन में अनुभव कर रहे हर एक बुरी स्थिति के लिए कोसे जाने वाला यह कलयुग किन कारणों की वजह से मनुष्य के किए हर एक कुकृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, किसकी वजह से चाहे किसी व्यक्ति की आपसी द्वेष के कारण हत्या कर दी गई हो, किसी नाबालिग कन्या के साथ दुष्कर्म हुआ हो, अपने ही पुत्र ने माता पिता को घर से निकाल दिया हो, या धन के लोभ में पत्नी ने पति की हत्या कर दी हो, या धन प्राप्ति की लालसा मनुष्य को अपने ही प्रिय को मारने पर विवश कर दे और किसी भले पुरुष की गई भलाई उसी पर भारी पड़ जाए, तो ऐसे में उस दोषी से ज्यादा कलयुग को यह कहकर दोषी ठहराया जाता है कि ऐसा ना होना तो निश्चित था। कलयुग जो है हर एक कुकृति के लिए कलयुग ही जिम्मेदार है। मित्रों, आपने शास्त्रों और पुराणों में युग चक्र के बारे में सुना ही होगा। एक युग लाखों वर्षों का होता है, जो एक चक्र के समान गतिवान है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक युग के समय काल समाप्त होने के पश्चात एक निश्चित समय अंतराल के क्रमानुसार दूसरे युग का आरंभ होना निश्चित है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। काल गणना के अनुसार चार युगों की अवधारणा में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के बाद चौथा और सबसे अंतिम युग कलयुग ही है। कलयुग का अर्थ है कली की आयु, अंधकार का युग, उपदुख की उम्र या झगड़े और पाखंड की उम्र होता है। कलयुग के इस अर्थ को आप संभवतः वर्तमान में चल रही भयावह स्थिति से जोड़ पा रहे होंगे। वैसे अगर प्राचीन पुराणों को उठाकर देखा जाए तो उसमें इस संसार के अंत को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है, और जिसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया है, और कलयुग के आरंभ में कुछ संकेत देते हुए कृत्यों का वर्णन किया है जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। गीता में वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार रूपी बाल काटने लगेगी, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों ओर सिर्फ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्रियां अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर से भय खत्म हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु होना आरंभ हो जाएगी, जो कि बहुत कष्टदायी होगी। गीता में कथित भगवान विष्णु के अनुसार तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को कहीं ना कहीं शब्दों के रूप में बयां कर रहे हैं, तो मित्रों प्रतीक्षा कीजिए, इसका और भी विकाल रूप अभी आना बाकी है। क्या हम सब ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 436,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब पांच ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। गणना की जाए तो 5122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 426,882 वर्ष अभी बाकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित को कलयुग के संदर्भ में चर्चा करते हुए बताते हैं कि जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, तब कलिकाल का प्रारंभ हो गया था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 432,000 वर्ष की है। यदि इन चारों कालों में अंतर करने में आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो इसका विस्तार करते हुए हम आपको बता दें। नंबर 1, सतयुग। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% होती है। त्रेतायुग। त्रेतायुग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% होती है। नंबर 3, द्वापर। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% जबकि पुण्य की मात्रा 50% होती है। नंबर 4, कलयुग। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। मित्रों, हमारे पुराणों में कलयुग की अंत से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं, जिससे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स पर मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स को, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें।